अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो एक बार फिर मैं मोहम्मद सलीम, कैमरामैन बाबू दीन के साथ। नाज़रीन, आज हम खड़े हैं यहाँ पे द्रास, द सेकंड कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस इन द वर्ल्ड। तो बात करें जब द्रास की, तो जब हम यहाँ की हाइड्रो पावर की बात करेंगे, केरला हाइड्रो पावर 1.5 मेगावाट, जो ठीक मेरे पीछे आप नज़र आ रहा होगा, तो जो वहाँ जाएंगे, वहाँ के जो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि इस कंडीशन में आज -15 -18 टेम्परेचर में किस तरह वो काम करते हैं। बने रहे। आप देखिए, अभी हम ठीक खड़े हैं यहाँ पे रिन्यू एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी केरला कंटिन्यू का। आप देख सकते हैं अभी मैं ठीक खड़ा हूँ। नेम ऑफ द प्रोजेक्ट सुमाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। 11.73 केवी मेगावाट का ये जो है, आप देख सकते हैं पूरी यहाँ पे। तो लगातार अभी हम यहाँ पे मौजूद है। ये देखिए, आप यहाँ पे देख रहे हैं, अभी हम केरला प्रोजेक्ट 1.5 मेगावाट में पहुँचे हैं। तो आप देख रहे हैं ये जो अभी हम बात करने की कोशिश करेंगे, मोहम्मद रमज़ान जो है अभी ऑपरेटर वहाँ पे जो हैं, वो मोहम्मद रमज़ान बैठे हैं और बाकी भी लोग जो है यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो हम बात करने की कोशिश करेंगे लगातार, आप हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में। और इस जगह पर काम करना ये काबिले तारीफ़ है। तो टीमें लगातार यहाँ पे बनी हुई है। एक टीम जो है यहाँ पे काम कर रही है और दूसरी टीम जो है हेडवर्क में काम कर रही है। तो यहाँ पे जो है ऑपरेटर रमजान जो है यहाँ पे टेम्परेचर चेक कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं 32.7 जो है यहाँ इस टेम्परेचर में काम हो रहा है यहाँ पे। तो भले ही कहीं ना कहीं ये काबिले तारीफ है। लाइफलाइन ऐसा प्रोजेक्ट है कि जो पूरे जितने लद्दाख को, द्रास को जो है, खासकर द्रास की हम बात करेंगे तो द्रास के लिए ये प्रोजेक्ट जो है काबिले तारीफ है। इस प्रोजेक्ट बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते थे, खासकर विंटर को, समर की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं जब से ये प्रोजेक्ट आया है तब से जो है यहाँ के लोगों को, खासकर यहाँ के जो पब्लिक है, यहाँ के जो दुकानदार हैं, यहाँ के जो काम करने वाले छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वाले हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं एक ये जो प्रोजेक्ट जो है काफी फायदेमंद रह चुका है।
जनरेट करते हैं 3.3 किलोवाट, उसको हम ट्रांसमिशन के लिए उसको स्टेप अप करना पड़ता है। इसके लिए हमें हमारे यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स लगे हैं, तो हम चलते हैं ट्रांसफार्मर वाली पैनल में। इसके बाद हमारा आता है ये ट्रांसफार्मर पैनल। ट्रांसफार्मर पैनल में क्या है कि ये 3.3 किलोवाट के जो पावर में ना वोल्टेज है, हम उसको 11 KV में स्टेप अप करते हैं। तो हर एक चीज के लिए, हर एक इक्विपमेंट के लिए यहाँ पे पैनल में सेफ्टी मेजर्स डाले हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेकर डाले हुए हैं, ये रिलेस डाले हुए हैं। रेजिस्टेंस मेजरिंग पैनल होता है ये, जो होता है जो पब्लिक के लिए, जो 11 KV का जो लाइट जा रहा है ना, वो उस पावर का ये कंट्रोलर है, वो उसका पैनल है। तो हम देख सकते हैं जैसे पब्लिक को अभी 11 किलोवाट पावर जा रहे हैं। अच्छा, ये बाहर जा रहा है। हाँ जी, तो हम बाहर के जो पावर यहाँ से जा रहे उसके लिए कंट्रोलर है। यहाँ भी आप देख सकते हैं रिलेस लगे हैं, यहाँ ब्रेकर वेकर लगे हैं। तो हमारा फंक्शन मेन फंक्शन ऐसे ही चलता है। तो एक बार फिर हम यहाँ पे जो लाइन वर्कर्स हैं, आप ये देख रहे हैं मेरे साथ अभी यहाँ पे, यही लोग हैं जो हिट में काम कर रहे हैं, -40 -25 में जो है काम कर रहे हैं। का मुश्किल होता है सर लगातार आपको उस जगह पे काम करना है। शुक्रिया सलीम साहब, पहले तो यहाँ आने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मोस्ट वेलकम करते हैं सर। आप यहाँ आके हमारी ये बात, इन बातों को, हमारे इस प्रोजेक्ट को तो थोड़ा बाहर तक निकालने के लिए, तो पिछले 4 साल से हम यहाँ प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं सर। यहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं, ऐसे ऑपरेटर, मैं नियाज अहमद बोल रहा हूँ केरेडा प्रोजेक्ट का। तो -40 -45 के बावजूद भी हम यहाँ काम कर रहे हैं सर। तो बहुत कठिन का सामना करना पड़ता है, एवलांच का खतरा होता है, स्लाइड का खतरा होता है, तो पानी रुक रुक के आता है। तो इसीलिए हमने अफसरों का भी बहुत उनको पता है कि ये प्रोजेक्ट द्रास इलाके में, जो कि वर्ल्ड का सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस है, हम इस क्लाइमेट में, इस कंडीशन में ये प्रोजेक्ट पिछले 5 सालों से चला रहे हैं, वो भी 12 महीने 24x7 चलाना हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग काम है। मगर ये मुमकिन हो पाना हमारे खासकर स्टाफ का, हमारे अफसरों का, हमारे पीडी साहब का, जो साहब हमारे मुख्तार सर और अली साहब, उनके ताउन की वजह से और हमारे स्टाफ का मेहनत की वजह से ये सब मुमकिन हो पाया है। बाकी हम लास्ट में पब्लिक का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। लास्ट में मेरा पब्लिक से यही मैसेज रहेगा कि आगे भी हमारे साथ पब्लिक बराबर हमारा ताउन दे। यहाँ तक की कहानी, किस तरह के यहाँ जो वर्कर्स हैं, यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं, किस तरह काम कर रहे हैं, लगातार हम आपको ये विजुअल्स दिखा रहे हैं, ग्राउंड जीरो से ये विजुअल्स दिखा रहे हैं कि ये जो प्रोजेक्ट जो है, किस तरह ये प्रोजेक्ट कैसे मुश्किलों के साथ जो है आज -18 और -20 के बीच में ये प्रोजेक्ट जो है चल रहा है। एक बार फिर हम तमाम यहाँ के जितने भी में वर्कर्स हैं, खासकर यहाँ के जो वर्कर्स दो जगह पे, दो शिफ्ट में काम कर रहे हैं, मैं यहाँ से इनको सैल्यूट करना चाहता हूँ कि इस जगह पे काम करना बहुत ही काबिल तारीफ़ है। उम्मीद है आपको ये मैसेज, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। कीप वॉचिंग द्रास ऑनलाइन।